YouTube पे मैं एक दिन ये ढूंढ रहा था कि हमारे कीबोर्ड पे शब्द A से Z तक क्रमिक क्यों नहीं होते। तो मुझे पता चला यहाँ तो गोरे नर्ड्स बहस छेड़ के बैठे हैं QWERTY और DORAC के बीच। QWERTY लेआउट सन 1870 में क्रिस्टोफर लीथम शोल्स नाम के एक न्यूज़पेपर एडिटर और प्रिंटर ने बनाया, जो कि केनोशा विस्कॉन्सन में रहते थे। और नेट पे चाहे कोई कुछ कहे, इसे टाइपिस्ट को स्लो करने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसे तो इसलिए आविष्कार किया गया था ताकि टाइपिंग तेज से तेज हो सके। QWERTY एक कोशिश थी उस समय की टाइपराइटरों की जाम हो जाने की दिक्कत को खत्म करने की। बहुत सारे लेआउट ट्राई किए गए, इनमें से एक था XPMCHR, जिसे किसने बनाया? क्रिस्टोफर लीथम शोल्स ने। तो अगर QWERTY का निर्माता ही इतना कंफ्यूज था तो QWERTY फेमस कैसे हो गया? इसका सबसे बड़ा कारण बना रिमिंगटन के टाइपराइटर, जिन्होंने QWERTY को मनुष्य संस्कृति में पूरी तरह जमा दिया। रिमिंगटन ने कुछ अहम बदलाव करके शोल्स और ग्लिडन टाइपराइटर 1 जुलाई 1874 में लॉन्च कर दिया। इसका लेआउट बिल्कुल QWERTY जैसा था, सिर्फ इसमें 1 और 0 नहीं था, क्योंकि रिमिंगटन का मानना था कि ये दोनों अक्षर तो कैपिटल आई और कैपिटल ओ से डाले जा सकते हैं। ओरिजिनल लेआउट में से आर और डॉट कीज को भी अदल बदल कर दिया गया। तो DORAC जैसे बाकी ऑप्शंस को यूज क्यों नहीं करना चाहिए? इसके कई कारण हैं। पहला, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट्स जैसे कि अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट सिर्फ QWERTY के लिए कारगर हैं, और पबजी खेलने के लिए जो WASD कीज चाहिए वो भी सिर्फ QWERTY में ही इकट्ठे हैं। इस बार के लिए इतना ही, अगली बार। ये एक ही कारण बहुत है QWERTY पे टिके रहने के लिए। तो ओके, बाय गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल ऐसी और वीडियोस के लिए।